रुपए की टीम अब से थोड़ी देर पहले यानी 1:30 बजे अपना काम करके वीडियोग्राफी और फोटो को अपने कैद करके फिलहाल निकल चुकी है। अब कल भी सर्वे होना है। ताजा अपडेट तो यही कि कल भी सर्वे होना है। इस वक्त में गर्मी देखिए यहाँ बहुत है, तापमान बनारस का वैसे ही बढ़ा हुआ था। एक तरफ तो सर्वे की टीम, दूसरा यहाँ पर जो पारा है वो भी कहर मचाए हुए है। और ऐसे में कुछ अगर राहत देता है तो वो है लस्सी, और लस्सी की दुकान में इस वक्त मौजूद हूँ। आप कितने सालों पुरानी है ये दुकान? ये 70-80 साल पुरानी दुकान है। आप तो इतने पुराने नहीं लग रहे। नहीं, तो हमारे दादा के जमाने की दुकान है, तो हम भी उसी धंधे में आ गए हैं। अच्छा, तो बिक्री ज्यादा बढ़ी है वीकेंड में? तो बढ़ी है, जब से कॉरिडोर बने तब से बिक्री सेल तो बढ़ी है हमारी। अच्छा, और ये सर्वे अर्वे के चक्कर में भी? ये तो हमको जानकारी इसकी नहीं है, हम इस बारे में नहीं बता सकते। अच्छा, तो चलिए जिन लोगों तक ये लस्सी पहुंच रही है, कुछ लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। लस्सी के साथ साथ देखिए तापमान, आइए हिमांशु थोड़ा इधर आ जाइए। आपको हाँ, आप लस्सी का व्यापार नहीं ठप होना चाहिए आपका। आइए हिमांशु थोड़ा इधर। आप कहाँ से हैं? हम राजस्थान से हैं, अलवर राजस्थान। राजस्थान से दर्शन करने के लिए? हाँ जी, दर्शन करने, बाबा के दर्शन करने आए हैं। अच्छा, और आपको देखकर एकदम लग रहा है भक्ति में? हाँ, पूर्णतः पूर्णतः। तापमान तो बहुत बढ़ा है, लस्सी कितनी राहत पहुंचा रही है? बाबा का जो वो है ना, एकदम भक्ति, वो भक्ति समाहित है एकदम पूरे शरीर में। ठीक है, देखिए यानी ये बातचीत भी हम कर रहे हैं, जो लोग हैं इनसे भी बात करेंगे। हम यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आपको बता दें बनारस में क्यों मैं मौजूद हूँ, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान वारपी परिसर का सर्वे होने के लिए कोर्ट के निर्देश के बाद कल भी टीम पहुँची थी, आज भी टीम पहुँची है और कल भी टीम पहुँचेगी। संभावना ये थी कि आज ही जो वक्त ज्यादा लग रहा था, क्योंकि 8 से 12 बजे तक का वक्त था, लेकिन फिर भी 1:30 बजे तक एक्सटेंड हुआ, तब वहां टीम रुकी, जिसके बाद ये कहा गया कि हो सकता है इसलिए डिले हो रहा हो क्योंकि आज ही सारे सर्वे कंप्लीट कर लेना चाह रही है टीम ताकि कल आने की जरूरत ना पड़े। लेकिन उन सारे उन कयासों पर विराम लगाते हुए जब टीम बाहर निकली है तो कहा है कि अभी और भी चीजें हैं जिसकी वीडियोग्राफी होनी है, इसलिए टीम कल भी पहुंचेगी। अब सवाल ये था कि 8 बजे से 10 बजे तक 12 बजे तक ये सर्वे होगा या 10 से 12। आपको बता दें इसको लेकर कई जो वकील बाहर आ रहे हैं वो अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं जो वकील बाहर निकले हैं, जो टीम बाहर निकली है वो क्या कह रही है, आपको सुनवाते हैं। अरुण कुमार त्रिपाठी हमारे साथ में है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से। बताइए कितना प्रतिशत तक आज काम हो पाए? आज सर सर्वे हुआ है, जो सर्वे चल रहा है आगे कल के लिए सर्वे का समय रखा गया है, कल सर्वे किया जाएगा 8 से 12। लगभग कितना प्रतिशत, क्योंकि कहा जा रहा था कि कल 50% से ज्यादा हो गया था, आज 80% कल भी ये जारी रहेगा? कल जारी रहेगा, कल भी जारी रहेगा 8 से 12। 8 से 12 रहेगा, 1.5 घंटे का समय बताया जा रहा था, मतलब जितना है उतनी जरूरत है, कितने समय की? कोई इसका समय नहीं लगा है, सब कागजी कार्रवाई और लिखा पड़ रहा है, हस्ताक्षर हो रहे थे, चारों तहखाने खोले गए, मलबा भी नीचे मिला है, जिस तरीके की जानकारी इस बारे में हम कुछ आपको नहीं डिक्लेयर कर सकते हैं क्योंकि सब कोर्ट प्रोसीडिंग है। दोनों पक्ष संतुष्ट है जिस तरीके की बात? सब लोग संतुष्ट है, सब लोग संतुष्ट है। इसको रिकॉर्ड किया गया दोबारा से अरुण कुमार त्रिपाठी, बिल्कुल साफ तौर पर अरुण कुमार है सरकार की तरफ से और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि जो सर्वेक्षण है वो लगातार जारी रहेगा और कल भी यानी सोमवार को भी 8 से 12 इस सर्वेक्षण को कराया जा रहा है। हिंदू पक्षी वकील हमारे साथ में, आज कैसे रिजल्ट हुए? अब चल रहा है भाई सर्वेक्षण, इसमें कोई कमेंट नहीं करना है। कल भी सर्वेक्षण रहेगा? कल भी कोई कमेंट नहीं, ये सर्वे होगा अब कल के बाद आपको। आज देरी भी हो गई बहुत, बिल्कुल कल जो देरी का कारण कल के बारे में बताइए, कल भी सर्वे होगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कितने समय किस समय ये सारे जो अधियोक्ता कमिश्नर महोदय बताएंगे, इसमें हम लोगों को कोई कमेंट नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पर अब जो टीम बाहर निकली उस तरीके के हमने आपको सुनाया, उन्होंने क्या कहा, हिंदू पक्ष क्या कह रहा है वो हमने सुनाया, मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है वो भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन कुछ पक्ष है, कुछ लोग हैं जो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, जरा उनसे भी बात कर लेते हैं। सर कहाँ से आए आप? गोरखपुर। गोरखपुर से दर्शन करने के लिए? हाँ जी। हो गया दर्शन? हाँ दर्शन हो गया। तो नहीं लगा है, गर्मी इतनी पड़ रही है कि पसीने से सारे धुल गए। अच्छा, आप कहाँ से आए? मैम दिल्ली से। दिल्ली से आए दर्शन करने? हाँ जी दर्शन करने, एक्चुअली कंपनी के वर्क से आए थे तो दर्शन भी कर लिया। सर्वे का कुछ आइडिया जो चल रहा था? हाँ मैम देखा, काफी सर्वे चल रहा है तो ये देखना है कि अब क्या आपकी राय? मैम मेरा जहाँ तक मेरा राय है, मंदिर ही निकल के आएगा, हमारे पक्ष में आएगा, हिंदू पक्ष में ही आना चाहिए। अच्छा, ठीक है। आप मुस्कुरा रहे हैं, अरे खाइए खत्म। हाँ मैम जी, मैं तो लस्सी पी रहा हूँ और यही सोच रहा हूँ कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए बस। बड़ी बात कही है, लस्सी पी रहा हूँ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सर थोड़ा हम बैठ रहे हैं, खिसकिए ना इधर इधर, अरे दादी के पास बैठेंगे आप। नहीं दर्शन कराई, पी ली, लस्सी खत्म हो गई लग रहा है।
देखें दर्शन कर आए करें कैसा लगा बाबा के दर्शन करके? शांति मिली मन? बहुत बढ़िया। यहाँ तो बड़ा तनाव का वो मतलब माहौल था, मुस्लिम पक्ष भी, अब तो फिलहाल सौहार्द से सर्वे हो गया, इसका कुछ आइडिया है मंदिर मस्जिद वाला जो चल? अभी आई हूँ मैं, पहल। अच्छा अभी आए हो, दर्शन कर लिया केवल? तो बढ़िया से अच्छे से दर्शन हो गया? बढ़िया। अरे आप? बहुत अच्छे दर्शन हो गए। हाँ तो बच्चों के साथ? 5 साल पहले आई थी, तब तो ऐसा नहीं था माहौल, बहुत घिचपिच थी, अब तो बड़ी शांत। घिचपिच थी? हाँ। और अब बड़ी शांत, पिटन पाट। हाँ बहुत बढ़िया। आप? हम लोग गुड़गावा से आए हैं। गुड़गांव से आए जी। अच्छा तो सर्वे पे कुछ कहेंगे या केवल दर्शन किया और अच्छा लगा? दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा दर्शन के टाइम पे। और जो है सर्वे का जो चल रहा है तो बिल्कुल सही बात है कि समय आने दो, समय के ऊपर सारी चीजें पता चल जाएंगी कि क्लियरिटी सारी चीज आई जाएगी क्या चीज। बट जहाँ पे तो देखिए जहाँ पे नंदी जी का जहाँ पे फेस है तो वो फेस की तरफ जो है, क्योंकि नंदी जी का हमेशा फेस जो होता है वो मंदिर की तरफ होता है और वहाँ पे मस्जिद बना हुआ है, तो अभी देखते हैं क्या। सारी दलीलें जो है वो हिंदू पक्ष की है। आ रहे हो सर, ये आपका सच अभी जानने के लिए आती हूँ, जरा मुस्लिम पक्ष क्या कह रहा है वो सुनवा देते हैं। की कार्रवाई और बची है, 1 से 1.5 घंटे कल जारी होगा जी, जारी रहेगा 1.5 घंटे। हाँ कल चलेगा, कल मलबा मिला था नीचे, मलबा भी मिला है। हाँ हाँ देखिए मस्जिद के अंदर मलबा मिला है जी, मलबा भी मिला है नीचे। अब क्या मिला क्या नहीं कल पता चलेगा, वो कल बताया जाएगा। संतुष्ट है दोनों पक्ष? दोनों सभी पक्ष संतुष्ट है, सभी पक्षों के संतुष्टि से ही। देरी की वजह क्या थी? देरी क्यों? कागजी का देरी, अब सर्वे की कार्रवाई है तो देरी तो लगेगा ही, जो है थोड़ा समय लगेगा, टाइम टेकिंग कार्य है जो है जी। मुस्लिम पक्ष के वकील जो है वो हमारे साथ में है, लगातार कहा जा रहा था कार्रवाई को लेकर के। सर आज की, एक मिनट सर, आज की कार्रवाई? हम लोग संतुष्ट हैं। चलिए कितनी देर आज हुई? 3 घंटा ही संतुष्ट है। और कितनी देर आज का तो दिया गया, जो समय था उस समय तक हुआ। तरीके की बात कही जा रही थी हिंदू पक्ष की तरफ से, क्या कह रहे हैं ये उनकी सोच हमको नहीं मतलब है। पूरी तरीके से सेटिस्फाइड? हाँ हम लोग संतुष्ट हैं। चलिए चलिए भैया,